सूरत शहेरना मनपा वोर्ड नंबर 20 पेटा चूंटनी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कासम रशीद शेख ने लोकोए आवकारी रह्या छे। लोकोने मददरूप थाय तेवा 8 मुद्दाओ सामे कासम मैदाने उतर्या छे। सूरतमां नगरपालिकानी वोर्ड नंबर 20 में एक बैठक उपर पेटा चूंटनी थवा जई रही छे। भाजप कांग्रेस अने आम आदमी पार्टीए पोताना उम्मीदवारोने मैदाने उतार्या छे। आ साथे बीजा राजकीय पक्षो अने अपक्ष उम्मीदवारोए पण उम्मीदवारी नोंधावी छे। तारीख 6 ऑगस्टना रोज वोर्ड नंबर 20 मतदाता मथकोए मतदान योजाशे। आ चूंटणी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीना कासम रशीद शेखे पण उम्मीदवारी नोंधावी छे। हाल चूंटणी प्रचार करती वेळाए कासम शेख ने खूब ज सारो प्रतिसाद मळी रह्यो छे। गरीब वर्गना लोको माटे सारा कामो करवाना महत्वना 8 मुद्दाओ साथे कासम शेख मैदान उतर्या छे। गत रोज पार्टीना कार्यालयनो नवसारी बजार नमकवाली गली में उद्घाटन करवामां आव्यु हतु, जेमां पार्टीना शहर प्रमुख अकरम भाई अंसारी उद्घाटननी रिबीन कापीने उम्मीदवार साथे चर्चा करी हती। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત। મેરા નામ કાસમ અબ્દુલ રશીદ શેખ હે। મે સુરત મહાનગરપાલિકા પેટા ચૂંટણી સે વોર્ડ નંબર 20 સે ખડા હુઆ હું। આપ સબ લોગો સે અપીલ કરતા હું કે મુજે ભારી સે ભારી બહુમત દિલા કર જીતાએ। કાસમ ભાઈ, યહાં જે પ્રાથમિક મુદ્દે ક્યા હે, કિન મુદ્દો કો લેકર ઉમેદવારી કી હે આપને? યહાં સે પ્રાથમિક મુદ્દે એસે હે કે સબ આતે હે और यहाँ पे खाली लड़के चले जाते हैं, जीत के चले जाते हैं, दूसरी बार यहाँ पर आते नहीं है। तो हमने इसके लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि हमारी मोहल्ले की समस्या को हम ही हल करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम अकरम अंसारी, शहर प्रमुख। और आज जो रोज़ हमारे कासम शेख खड़े हुए हैं 20 नंबर वोट से, युवा है, जोश है उसे। और मैं आवाम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इनको आज इनको ताकत देंगे, कल तुम्हारी ताकत बनेगी। और इनको अच्छे से अच्छा मत देकर आप जिताने की कोशिश करो। कासम भाई, युवा है, किन मुद्दों को लेके एनसीपी ने उम्मीदवारी की है? मैं यहाँ देखा कि भाई युवा है, युवा को यहाँ कोई ऐसा कोई काम नहीं, यहाँ पर यहाँ कोई करने वाला नहीं है, सब पीछे से दूसरा कोई काम होता है। यहाँ किसके भागना, आज रशीद भाई जैसे काम करते आधी रात को लोग के लिए भागते, उनके फादर है। आज कासम भाई, उनको भी उमंग है पर उनको कोई है ही नहीं। तो मैं रशीद भाई को बोला कि भाई आप रशीद भाई खड़े हो जाओ। वो बोले हमारे बच्चे को खड़ा करेंगे। तो रशीद उनको भी, उनके बच्चों को मंगा है, रशीद भाई के परिवार को आया और लोगों को आया। किस मुद्दे को इस जगह पे खास करके जरूरत है लोगों की? यहाँ हर चीज़ की प्रॉब्लम, हर चीज़, रिक्शा प्रॉब्लम है, यहाँ पर पार्किंग नहीं है, लोगों का स्टैंड नहीं है। इतना बड़ा यहाँ पर ये तालाब खुला हुआ है, उसके लिए तबलीग कितनी, परेशानी कितनी, लोग कहाँ से कहाँ जाते, लोग आते भटकते हैं, मगजमारी होती है। पर इसके लिए करना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। तो यहाँ मोहल्ले का आदमी रहेगा तो उनको जानकारी रहती भाई कि हमें क्या करना चाहिए। और बड़े बड़े पार्के ने कहा, उसमें कोई पार्किंग ही नहीं होती, परेशान लोग परेशान हो गए।